लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन के बाद अब उन्हें राजधानी दिल्ली से पटना लाया जा रहा है, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। उनकी अंतिम यात्रा में बड़े दिग्गजों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। शहर के महापर्व के बीच नहाई खाई की रात शारदा सिन्हा का निधन अत्यंत दुखद है। छठ के त्यौहार पर छठ के महापर्व के गीतों से ही लोक गायिका के तौर पर मशहूर हुई थी शारदा, जिन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता था। जिन्हें एक से बढ़कर एक सम्मान दिए गए। उनकी यही इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार वहीं हो जहां उनके पति का हुआ। ऐसे में उनके बेटे ने फैसला लिया कि उन्हें पटना लाया जाए। 12 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के लिए पटना में रखने का फैसला लिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस के जरिए उन्हें दिल्ली से पटना लाया गया है। आइए उनकी गायकी सफ़र के बारे में जानते हैं। संगीत यात्रा जिनकी शुरू हुई बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिहमा गांव से। ये वही गांव है जहां शारदा सिन्हा का ससुराल हुआ करता था। वहीं उनके ससुराल वाले रहते थे। यहीं पर शारदा ने मैथिली लोकगीतों के प्रति अपनी रुचि विकसित की, जो बाद में उनके संगीत करियर का आवाज भी बनी। शारदा ने न केवल मैथिली बल्कि भोजपुरी, मगही, हिंदी संगीत में भी, बॉलीवुड फिल्मों के गानों में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। इसके बाद इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित, जो अब प्रयागराज है, वहाँ बसंत महोत्सव में शारदा सिन्हा ने अपने गायन से सभी को मंत्रमुग्ध किया था। फिर प्रयाग संगीत समिति ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें मंच पर प्रदर्शन करने का अवसर दिया था। ऐसे शुरू हुई थी शारदा सिन्हा की गायकी की जिंदगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जाहिर किया है और तकलीफ बयां की है। ऐसे मौके पर उन्हें खो देना अविश्वसनीय है, बहुत ही तकलीफ भरा है। इतना ही नहीं, आप सबको बताना चाहेंगे, शारदा के जाने के बाद जो है सो भारतीय संगीत भी इस वक्त टूट सा गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।